किसानों के हित में केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रदेश में इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दुर्ग जिले के चंदखुरी सहित कई गांव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए अपने खेतों का परीक्षण कराकर भरपूर फसल ले रहे हैं। कृषि अधिकारी खेतों का मिट्टी परीक्षण कर किसानों को मृदा कार्ड भी दे रहे हैं ताकि उन्हें खाद के उपयोग की सही जानकारी मिल सके। किसानों ने बताया कि मिट्टी परीक्षण के बाद वे उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे पैदावार बढ़ी है। तो मिट्टी परीक्षण कराए करके एक साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं नाम मात्र के बराबर होते, मगर मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। मृदा कार्ड के हिसाब से हमको जो जानकारी दी गई थी और जो हमारा मिट्टी परीक्षण हुआ था उसके अनुसार से हमारा जमीन पहले बहुत कड़ा था, अब उसके हिसाब से जो हमको खाद वगैरह के बारे में जो जानकारी दी, वर्मी खाद वगैरह के बारे में, उस जानकारी के अनुसार से हमने जब अपने खेत में उसको डाला तो उससे हमारा फसल और हमारा खेत का मिट्टी भी शुष्क हुआ है और फसल भी उससे हमको अधिक मिला है। किसानों ने बताया कि पहले जानकारी के अभाव में वे खाद की कम या ज्यादा मात्रा का उपयोग करते थे, साथ ही मिट्टी के अनुरूप खाद भी नहीं डाल पाते थे जिससे मनचाहा पैदावार नहीं मिलता था। अपन हिसाब से इसी करत रहे हैं, जानकारी का अभाव रही से, तो फिर हम मिट्टी परीक्षण करवाए ना मन है, तो मैं हमारा खेती में जो कमी है ओकर बारे में बताई से, हाँ तो अब ओकर हिसाब से हमन जो कमी है ओला पूरा खातू ला जिसे जिसे डालना है वो बताए वैसे ही डालत जाथन। हाँ तो खेती में अब परिवर्तन थोड़ा से हमला दिखत जाते मिट्टी परीक्षण के बाद से। पहले मैं धान बोता हूँ, फिर भी पहले जैसे धान वृद्धि हो गए पहले से कार्ड मिले से ना जानकारी हो गए बहुत कि इतना मात्रा में डालना है खाद, ऐसे टाइप के डला थे ना, मैं यहाँ कीटनाशक भी नहीं डालो, मैं जैविक बना के अपन डालता हूँ। योजना के बारे में बताते हुए दुर्ग की कृषि विस्तार अधिकारी अर्चना चखिया ने कहा कि भूमि सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। का ग्रेड वाइज हम लोग नमूना लेते हैं और उसका परीक्षण कराते हैं, उसमें कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है और कितने अधिक मात्रा में है, और आगे हमको पर हेक्टेयर में संतुलित मात्रा में किसान को दिलाना है, और उसमें गोबर खाद की मात्रा कितनी है, किसान को कितना FIM डालना है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, किसान को कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, ये सब की सभी चीज़ों की जानकारी हम उनको बताते हैं और किसान उसको अप्लाई करते हैं अपने फील्ड में और अच्छा रिजल्ट पाते हैं। इस तरह मिट्टी परीक्षण योजना न सिर्फ दुर्ग जिले बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों को अच्छी उपज लेने में सहायता कर रही है जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिल रहा है।